अजमेर के नजदीकी गांव सोमलपुर में कोरोना काल में एक महीने के दौरान लगभग 44 मौतें होने से मचा हड़कंप। ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णय लेते हुए सोमलपुर गांव के चारों एंट्री पॉइंट को बैरिकेटिंग लगाकर किया बंद। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम सोमलपुर में पिछले एक माह के दौरान कोरोना काल में लगभग 44 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हुकमचंद मारू बताते हैं कि इसमें कोविड केस साथ ही हैं और कुछ केस सस्पेक्टेड हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी मौतें हुई हैं। उनका कहना है कि शहर के नज़दीक होने से सोशल मीडिया या अखबारों में आने वाली खबरों से ग्रामीण घबराए हुए हैं कि जब अजमेर शहर में ही इतनी तादाद में मरीज हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है तो फिर उनका क्या होगा। यहाँ साक्षरता दर भी कम है, लोग झाड़ फूंक टोने टोटके में विश्वास रखकर चिकित्सकीय व्यवस्था से दूरी बनाए रखते हैं, इसलिए भी मौतें होती हैं। वहीं रमज़ान के दौरान वैक्सीनेशन हुआ नहीं, यहाँ भ्रांतियाँ फैली हुई है कि वैक्सीन लगवाने के 3 महीने के अंदर मौत हो जाएगी। ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न माध्यमों से लोगों को कई तरह के उदाहरण देकर भ्रांतियों को दूर भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन की दर शहरों की अपेक्षा काफ़ी कम है। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सब इन दिनों गांव में बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, ऐसी जानकारी आई है, क्या माना जाए? गांव के अंदर लास्ट 1 मंथ को अपन ओवरऑल अगर कंसीडर करें तो 43 डेथ, अब तक आज सुबह की डेथ को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 43 डेथ हुई है, जिसमें से कोविड जो कन्फर्म केसेस हैं वो 7 ही हैं। रिमेनिंग जो डेथ हैं वो कोविड सस्पेक्टेड भी हो सकते हैं या नॉन कोविड भी हो सकते हैं, उनकी जानकारी किसी भी तरह से किसी भी डाटा पे हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग जो हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वो 60 प्लस में हैं या साथ में किसी न किसी तरह की कोमॉर्बिड जो डिजीज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज़ है, इनसे रिलेटेड डेथ जो है वो भी ज़्यादा है। तो क्या माना है, क्यों हो रही है इतनी डेथ? जैसे कि कोविड की अवेयरनेस कम है या लोगों में जागरूकता बिल्कुल नहीं है, या वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, इनके मन में ऐसी क्या वजह है? देखिए, गांव का लिटरेसी लेवल नो डाउट बहुत कम है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, शहर के बहुत नज़दीक होने की वजह से निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में अपन देख रहे हैं कि कोविड का संक्रमण शहर में इतना है, शहर के अस्पतालों में जो है अस्पताल भरे पड़े हैं, बेड्स की कमी है, डॉक्टर्स वहाँ प्रॉपरली जैसे नहीं देख रहे हैं, रूटीन आउटडोर्स नहीं चल रहे हैं, इसलिए गांव के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल जाने से भी कतरा रहे हैं। तो हॉस्पिटल जाने से कतराने से क्या होगा कि आपके आसपास जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं को ले रहे हैं, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त नहीं है। वैक्सीनेशन को लेके यहाँ चूँकि पिछले 1 महीने में यहाँ कोविड जो वैक्सीनेशन हुए हैं 6-7 सत्र, लेकिन यहाँ रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने की वजह से यहाँ कोविड वैक्सीनेशन भी कम हुआ है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी यहाँ के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसलिए कोविड का वैक्सीनेशन भी कम हो रहा है, और वैक्सीनेशन जिन लोगों का हुआ है नो डाउट उनकी डेथ अब तक कोई ऐसी रिपोर्टेड नहीं है, तो इसमें वैक्सीनेशन भी एक बड़ा पार्ट है कि लोग यहाँ करवाना ही नहीं चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रांतियाँ हैं, जबकि हमने गांव के बिल्कुल जो कह सकते हैं कि मोजिज जो लोग हैं उनका वैक्सीन करवाया है, उनका वैक्सीन के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाए हैं, फ़ोटो खिंचवा के ग्राम में जितने भी जो ग्रुप्स चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं या सोशल मीडिया पर जितने भी जो प्रचार के जो हैं उन पर सबका हमने उसका प्रचार करवाया है कि गांव के सरपंच साहब ने लगवाया है या पूर्व सरपंच साहब ने लगवाया है या हाजी साहब ने लगवाया है या मौलाना जी ने लगवाया है, इस तरह के हमने जो है वो बिल्कुल प्रचार किया है। इसके बावजूद वैक्सीनेशन का जो रेशो आना चाहिए था निकल के वो तक नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं इनके मन में किसी तरह का भय डर, आप तो कि हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ डेथ हो जाएगी या वहाँ परेशानियाँ होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, या कोविड जो इंजेक्शन है वो लगवाने से डेथ हो जाएगी, ऐसा तो कोई भय व्याप्त नहीं है इनके मन में? ऐसा कोई भय ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जो अखबार में या टीवी पे या रेडियो पे जो सुन रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर बेड्स की संख्या कम है, ऑक्सीजन बेड्स ऑक्सीजन नहीं मिल रही है,
या वहाँ जाके कोविड से संक्रमण की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, इसलिए गाँववासी जो है लिटरेसी का लेवल को साथ में कंसिडर करते हुए वहाँ हॉस्पिटल जाना ही पसंद कम कर रहे हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, वो कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर भी उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उनमें एक भ्रांति ये भी है कि हम वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है महीना दो महीना तीन महीना के अंदर हमारी डेथ हो जाएगी, ये भी बहुत बड़ा भ्रांति है। कुछ लोग जिसको कह सकते हैं कि हालांकि ये साइकोलॉजिकल ही है, मैं नहीं मानता इसमें कोई ज़्यादा कुछ एविडेंस है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति की वैक्सीनेशन हुई और उस व्यक्ति बिल्कुल ओके था, तीन दिन तक बिल्कुल ओके था। चौथे दिन किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आपने आप ये वैक्सीनेशन करवाई थी, अब तो आप तीन महीने में मर जाओगे, और वो व्यक्ति वेरी नेक्स्ट डे से अगले सात दिन तक बेड रिडन था। उसको फीवर भी था, सारे सिम्टम थे, सब कुछ था, फिर उसको साइकोलॉजिकली वापस ट्रीट किया, वो वेल एंड ओके है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ भी हैं गाँव में निश्चित रूप से। तो मानते हैं गाँव वालों में कुछ भय व्याप्त तो है ही है, बिल्कुल है। कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भय तो व्याप्त है ही, इतने पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक में भय आमजन के मन में निश्चित रूप से है। और चिकित्सा जिस लेवल पे इनको लेनी चाहिए उस लेवल से निश्चित रूप से कतरा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नीम हकीमों के चक्कर में पड़ गए हों और वहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं और उसका ये इफेक्ट हो कि ज़्यादा मोटे हो रही हैं? नहीं, इस तरह का कोई वो नहीं है, क्योंकि गांव बिल्कुल शहर के नज़दीक है और शहर के नज़दीक होने से चिकित्सा सुविधाओं की जो है कमी नहीं है। तो नीम हकीमों का इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आउटकम नहीं है। नहीं, जैसे कुछ गाँव में ये भी देखा गया है कि नीम हकीम भी होते हैं, कुछ झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ये गांव शहर के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए नीम हकीम प्लस झाड़ फूक इस तरह की मैं समझता हूँ मेंटेलिटी या जो आउटपुट है बहुत कम है। ग्राम विकास अधिकारी दीपक वर्मा ने बताया कि गाँव में बढ़ती कोरोना संक्रमण की वजह से चारों एंट्री पॉइंट को बैरिकेटिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। यह निर्णय ग्राम पंचायत कोर कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वॉलेंटियर्स लगातार रात और दिन ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये क्या लगा रखा है आपने, क्या बना रखा है यहाँ पे? ये सर रोड जो है ब्लॉक कर रखे हैं। गाँव में प्रवेश के चार रास्ते हैं हमारे यहाँ मुख्य, और उन चारों रास्तों पर बैरिकेटिंग लगाकर ऐसे और वॉलेंटियर बिठाकर ग्राम पंचायत द्वारा कोर कमेटी अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये रोड ब्रेकिंग लगा रखे हैं, जहां वॉलंटियर जो हैं वो रात दिन उपस्थित रहते हैं, ताकि गांव में कोई भी जो प्रवेश करे तो उसकी जानकारी रहे, और जो बिना कारण या गलत लोग गांव में प्रवेश ना कर सकें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं जब सचिव रामपाल जाट को अखबार के माध्यम से फैली खबर की सूचना मिली तो उन्होंने उस पर संज्ञान लेते हुए शनिवार को सोमलपुर गाँव का दौरा कर ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, नोडल अधिकारी, बीएलओ व गांव के प्रतिष्ठित वर्ग से मिलकर हालात की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों ने उन्हें गांव की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है कि गांव में किस तरह से जो भी कोरोना संदिग्ध है उसे घर में ही क्वारंटीन किया हुआ है। वहीं लोगों को समझाया गया कि ज़्यादा संक्रमित दिखाई दे रहे व्यक्ति को तत्काल अजमेर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया जाए, जहाँ संपूर्ण उपचार की व्यवस्था है। वहीं लोगों से अंधविश्वास से दूर रहते हुए झाड़ फूंक और टोने टोट के ना करने व समय पर वैक्सीन लगवाने के साथ ही कोरोना नियमों की पालना करने की भी हिदायत दी गई है। लोगों से कहा गया है कि हमेशा मास्क का उपयोग करें, गांव में लोग उचित दूरी बनाकर रखें, हाथों को बार बार धोते रहें। आज हमने सोलमपुर गाँव, जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर अखबार में छपी खबर के अनुसार उस पर संज्ञान लिया है और उस गांव में गए हैं। उस गांव में हमने वहां की कोविड की स्थिति के संबंध में ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, वहां पर उपस्थित मेंबर और नोडल अधिकारी और बीएलओज तथा गांव के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिले हैं। गांव की स्थिति का उन्होंने अवगत करवाया। वहाँ पर ये बताया गया है कि उस गांव में करीबन 44 व्यक्तियों की इस कोरोना काल के दौरान डेथ हो चुकी। उनका ये भी कहना है कि यद्यपि सारी मौतें हम कोविड से नहीं मान सकते, लेकिन कुछ ही मौतें अस्पताल जाकर वहाँ से हमें उनकी बॉडी प्राप्त हुई है, वो निश्चित रूप से कोविड की रजिस्टर्ड मौतें हैं। बाकी और लोगों का भी अगर जाँच की जाए, पता लगाया जाए, तो वो मौतें भी कोरोना काल में शायद और कोविड की ही मिले। वहाँ पर गांव की हमने सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया, तो ग्राम पंचायत सरपंच व पंचायत समिति सदस्य का ये कहना था कि हमने गांव में सैनिटाइज करवा दिया है। विशेष रूप से गांव वालों का
ये कहना है कि हमारे यहाँ पर एक सब सेंटर बना हुआ है लेकिन उस पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है और उस डॉक्टर को किसी और जगह लगा दिया गया है। उनका ये कहना है कि हमारे वैक्सीनेशन 13,000 की आबादी के गाँव में केवल 300-400 व्यक्तियों का हो पाया है, वो भी पहला डोज, और RT-PCR टेस्ट हमारे नहीं हो रहे हैं, और काफ़ी लोग बुखार से पीड़ित हैं, वो होम क्वारंटाइन हैं। गांव वालों ने अपनी स्वव्यवस्था कर रखी है, उन लोगों को होम क्वारंटाइन कर रखा है तथा उनकी स्वास्थ्य की ध्यान रखते हुए उनको नियमित उपचार दिलवाया जा रहा है। गांव वालों का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गंभीर जो रोगी है अगर उसको सांस लेने में भी अगर दिक्कत हो तो गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर उपलब्ध हो, लेकिन जिला मुख्यालय से तथा उनके PHC सेंटर से, ये केंद्र जहाँ कोविड सेंटर बना हुआ उससे कुछ ही दूरी पर है, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर यद्यपि हमने ग्राम पंचायत सरपंच को अपने सहयोग से, जन सहयोग से इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए भी उनको निर्देश दिए हैं। विशेष तौर से गांव में फैले हुए अंधविश्वास, झाड़ फूंक, जादू टोना, मंत्र आदि से जो इलाज कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति लोगों को जागृत किया, उन व्यक्तियों के प्रति लोगों को जागृत किया और उनको ये समझाया गया कि आप किसी भी प्रकार के किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ें, आप वैज्ञानिक पद्धति, जो चिकित्सा पद्धति है उस पर विश्वास रखें, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके अलावा हमने विशेष तौर से ये महसूस किया कि गांव में इस कोविड काल के दौरान जो डेथ हुई है उनसे शायद लोगों ने ये सीखा हो कि इस बीमारी का इलाज केवल सामाजिक डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग करना, बार बार हाथ धोना तथा लोगों से दूरी बनाए रखना ही इसका सर्वोत्तम बचाव है।